स्टूडेंट, हम आज आपको बायोलॉजी की 11th क्लास की लेसन थर्ड यानी यूनिट फर्स्ट का लेसन थर्ड प्लांट किंगडम के बारे में बताने जा रहे हैं। प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांटे में पहला आपका जो है सीड लेस है, दूसरा क्या सा है सीड बेयरिंग है। इनमें सीड पर नहीं बनते और इनमें सीड बनते हैं। सीड लेस में सीड बनते हैं, सीड बेयरिंग सीड नहीं बनते। इसके बाद आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। जो थैलोफाइटा है वो बॉडी नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी थैलोफाइटा की जो बॉडी है वो जड़ तना पत्ती में नहीं बैठी होती है। एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट यानी एम्ब्रियो नहीं बनते। इसके बाद है आपका एल्गा। एल्गा में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, कंटेनिंग होते हैं, ऑटोट्रॉफस होते हैं। इनमें पर क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, क्लोरोफाइसी कहते हैं। ये ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा कहलाते हैं। इसके बाद इनमें एग्जाम्पल हैं स्पायरोफायरा, ग्लोथ्रिक्स, स्पायरो सार्गेसम, फ्यूकस और रेड एल्गा और फायरा। ठीक, इसके बाद आपका आता है ब्रायोफाइटा। ये आप एक बार और देख लीजिए, इसमें क्लोरोफाइसी, आपका फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी हैं और ग्रीन एल्गा जो कि हरे रंग के होते हैं, ब्राउन एल्गा जो ब्राउन भूरे कलर के होते हैं और रेड एल्गा जो लाल कलर। इसके बाद आपका आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट यानी इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते है ना। गैमेटोफाइट फेज डोमिनेंट यानी गैमेटोफाइट अवस्था पाई जाती है और इनकी दो होते हैं, इनके दो पार्ट्स होते हैं, लिवरवर्ट्स और मॉस। लिवरवर्ट्स का जो एग्जाम्पल है वो मार्केंसिया है और मॉस का जो उदाहरण है वो क्या है, फ्यूनेरिया। इसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में ये सीड एब्सेंट यानी सीड नहीं पाई जाती। वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट, वैस्कुलर बंडल इनमें पाए जाते हैं यानी जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं लेकिन सिंपल स्टेज में होते हैं और स्पोरोफाइटिक फेज इनमें डोमिनेंट होती है, इनमें स्पोर बनते हैं और एग्जाम्पल है फर्न। इसके बाद आते हैं आपके सीड बेयरिंग प्लांट जिनमें सीड पाए जाते हैं या सीड बनते हैं। इनमें दो हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं यानी इनमें वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो कि एंजियोस्पर्म से थोड़े से कम डेवलप है। सीड आर नेकेड, इनमें सीड में कोई भी आवरण नहीं पाया जाता। फ्लोवर इज एब्सेंट यानी फ्लोवर नहीं पाए जाते। जाइलम में बेसिस नहीं पाई जाती। ये एग्जाम्पल है एसाइकस और फाइनस। इसके बाद आपका आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में है वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट यानी वैस्कुलर बंडल डेवलप होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है सीड इज कवर्ड यानी इनके सीड कवर्ड होते हैं और फ्लोवर इज प्रेजेंट यानी फ्लोवर डेवलप होते हैं। जाइलम बेसिस पूर्ण रूप से डेवलप होती है यानी जाइलम में बेसिस पाए जाते हैं, प्रेजेंट डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, इसके बाद दो तरीके के होते हैं, मोनोकोटन डाइकोटिलेडन सीड्स है।